हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा उम्मीदवारों के विरोध पर सियासी घमासान। सांसद और प्रत्याशी अरविंद शर्मा बोले, ये सब कांग्रेसी तो पूर्व सरपंच का जवाब, या तो सबूत दिखाओ वरना माफी मांगो, वरना होगी कानूनी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव का जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को लगातार गाँव में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और यह पहली बार नहीं है जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, लगातार तब से भाजपा और जजपा के सभी प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जननायक जनता पार्टी के तो सबसे बड़े नेता रहे दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला, उन सबको भी विरोध का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि दिग्विजय चौटाला के साथ तो लोग गाली गलौज तक पर उतर आते हैं, और यह हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह हो। वहीं आपको बता दे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी लगातार विरोध हो रहा है। किसान जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से किसानों पर किसान आंदोलन के दौरान पुलिस बल का प्रयोग किया गया, जिस तरह से किसानों के रास्ते रोके गए, उसी को लेकर किसानों में रोष है, और लगातार किसान हर जगह भाजपा और जजपा के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। कई गांव तो ऐसे भी है जहां पर बकायदा गांव के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि भाजपा और जजपा के प्रत्याशियों की यहां पर एंट्री बंद है। वहीं आपको बता दे, इसको लेकर लगातार सियासी घमासान भी जारी है। और कल जिस तरह से रोहतक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भाजपा के 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अरविंद शर्मा का लगातार विरोध हो रहा है, तो अरविंद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कुछ फोटोज दिखाए और कहा कि ये जो विरोध कर रहे हैं, यह किसान नहीं बल्कि सबके सब कांग्रेसी है, और किसानों का झंडा उठाकर यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हर जगह विरोध कर रहे हैं। तो इस पर एक पूर्व सरपंच भड़क गए और उन्होंने कहा कि जो अरविंद शर्मा ने आरोप लगाया है, या तो वो सही साबित करे वरना फिर माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगते तो फिर उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, क्योंकि उन्होंने मेरी फेसबुक आईडी से फोटो उठाए और दिखा दिए और कहा कि विरोध कर रहे थे। पूर्व सरपंच ने आरोप लगाए कि मैंने विरोध किया ही नहीं, जो विरोध कर रहे थे वो सब किसान थे। हरमाना गांव के पूर्व सरपंच आशीष ने कहा कि कल डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ फोटो दिखाए, ये फोटो मेरी फेसबुक आईडी से उठाकर दिखाया है। मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि आपके पास मेरे विरोध करते हुए की कोई फोटो है तो दिखाए, अन्यथा झूठ न बोले, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है तो सबूत दिखाए वरना माफी मांगे, यह मेरा नहीं पूरे गांव का अपमान है। मैंने आपका विरोध नहीं किया बल्कि किसानों ने किया है, सीधी बात है, आप माफी मांगे वरना जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह करेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उनके प्रचार शुरू करते ही विरोध भी शुरू हो गया है। किसानों को दिल्ली जाने से शंभू बॉर्डर पर रोकने को लेकर विरोध किया जा रहा है। हिसार से भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला, सोनीपत से मोहन बड़ोली और सिरसा से अशोक तंवर, और रोहतक से तो अरविंद शर्मा का लगातार घेराव किया ही जा रहा है। वहीं कई जगहों पर उनकी सभा में भी सवाल पूछे गए, जहां पर बवाल होता नजर आया। ऐसा नहीं कि अकेला भाजपा के ही प्रत्याशियों का विरोध हो रहा हो, हरियाणा और पंजाब में लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, और हरियाणा में तो जननायक जनता पार्टी का विरोध भाजपा से भी ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि किसानों की हितैषी बनकर किसानों को धोखा देने का आरोप जननायक जनता पार्टी पर लगातार किसान लगाते रहे हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।